ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की कुरुक्षेत्र से आ रही है। हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और उसी से जुड़ी यह खबर। अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने छापेमारी की है। तो अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने छापेमारी की है। संदिग्ध जगहों पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से अवैध शराब की खबर दिखाई थी और उस पर अब प्रशासन सतर्क हो चुका है, एक्शन लेना भी शुरू कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र में दरअसल अवैध शराब के ठिकाने बहुत ज्यादा संख्या में थे और प्रशासन की लगातार उस पर नजरें थी। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था और प्रशासन ने अब उस पर संज्ञान लेते हुए छापेमारी अवैध शराब के ठिकानों पर शुरू कर दी है। संदिग्ध जगहों पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं। पुलिस की टीम पहुंच गई है छापेमारी करने के लिए। अवैध शराब लगातार प्रदेश में किस तरीके से बिक रही है और अवैध शराब के जो ठिकाने हैं उस पर शिकंजा कसने के लिए अब विभाग ने भी, प्रशासन ने भी कमर कस ली है और उसी के मद्देनजर कुरुक्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने यहां छापेमारी की। संदिग्ध जगह जो है वहां पर पुलिस की टीमें आपको बता दें कि पहुंच चुकी हैं और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचकर लगातार जो आगे की जांच पड़ताल है वो कर रही है। भरत सांवरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं। भरत, क्या जानकारी मिल रही है? संदिग्ध जगहों पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, छापेमारी की जा रही है, क्या फिलहाल जानकारी? अवैध शराब जो है उसका कारोबार काफी हद तक बढ़ गया था। इसको लेकर लगातार मामले को दिखा रहा था और कई खबरें जो है इस मामले को लेकर दिखाई थी। उसके बाद शराबी लोग चाकू मार के हत्या कर रही थी और उसके बाद हरियाणा में जिससे मुद्दे को प्रमुखता ने दिखाया। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक जो है आस्था मोदी, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि पूरी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कहीं पर भी अवैध शराब बिकने नहीं दी जाएगी और उसका शिकंजा जो है वो लगातार ऐसे स्थानों पर कस रहे हैं जहां पर अवैध शराब मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि जब से यह पूरे का पूरा मामला गरमाया है उसके बाद अवैध शराब के जो कारोबारी हैं वो लगभग अभी भूमिगत है और दिल्ली पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आगे भी आश्वासन दिया है हमारी टीम को कि इस तरह के किसी धंधे को जो है धर्मनगरी क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवैध शराब के ठिकाने लगातार इस वक्त प्रशासन की नजरों में हैं और वहां पर छापेमारी की जा रही है। संदिग्ध जगहों पर पुलिस की टीमें पहुंची हैं और वहां पर छापेमारी करके जो भी अवैध शराब के ठिकाने हैं उस पर शिकंजा कसने की कोशिशें जारी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कुरुक्षेत्र से।